हेलो गाइज, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो गाइज, आज हम लोग एक नई वीडियो के साथ आप लोग के पास आए हैं। तो गाइज, हमारे चैनल का नाम है क्रिएटिव सत्यावान। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोग घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए गाइज, वीडियो को अभी शुरू करते हैं। तो गाइज, मैं आज जिस देश के आप लोगों को शेयर करने ले जा रहा हूँ, उस देश की कुल आबादी हमारी आबादी के 1/5% होगा। वो एक मुस्लिम अमीर कंट्री है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये देश किसी देश से डरता नहीं है? ये अपनी सालाना रक्षा बजट पर इतना पैसा खर्चा करता है कि वो दुनिया की तीसरा बड़ा देश है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आप लोगों को सऊदी अरब की सैर करवाने ले जा रहा हूँ। तो चलिए गाइस, सऊदी अरब की सैर करते हैं दोस्तों। सऊदी अरब की स्थापना 1744 में हुई थी दोस्तों। पहले इसकी राजधानी अभी रियाद है दोस्तों। इसकी जो भाषा है, मातृभाषा है दोस्तों, सऊदी अरब में कोई नदी नहीं है, इसीलिए वहाँ पानी आपको आसानी से नहीं मिलती है दोस्तों। मतलब पानी का दाम यहाँ पर बहुत है। इसकी मुख्य रुतभूमि रेतीली है दोस्तों। यहाँ बारिश ना के बराबर होती है दोस्तों, इसलिए यहाँ खेती बाड़ी करना बहुत मुश्किल है। बाकी जो खेती बाड़ी होती है वो कृत्रिम बारिश किया जाता है। यहाँ पे अरब सरकार के द्वारा कृत्रिम बारिश किया जाता है दोस्तों। यहाँ पर तेल और गैस की प्रचुर मात्रा में व्यापार होता है दोस्तों, आमदनी भी होती है दोस्तों। यहाँ दो पवित्र स्थान है, मक्का और मदीना। यहाँ हज करने के लिए बहुत मुस्लिम लोग आते हैं। इस्लाम सऊदी अरब का राज्य धर्म है और इसके कानून के लिए सभी नागरिकों को मुस्लिम होने की आवश्यकता होती है दोस्तों। यहाँ पर गैर मुस्लिम प्रचार पर प्रतिबंध लगा हुआ है दोस्तों, और गैर हिंदुओं मक्का और मदीना के रास्ते में भी नहीं जा सकते दोस्तों। सऊदी के 70-85% नागरिक मुन्नी मुस्लिम है दोस्तों। कुल आबादी का 30% से ज़्यादा लोग यहाँ पे श्रमिक होते हैं, लेबर लोग होते हैं दोस्तों, जो कि विदेशों से काम करने के लिए यहाँ पर आते हैं दोस्तों। सऊदी में 2001 तक लगभग 15 लाख भारतीय नागरिक थे दोस्तों, उनमें से ज़्यादातर मुस्लिम थे। यहाँ पर हिंदुओं के लिए मुख्यतः 3 कानून हैं दोस्तों। यहाँ आप अपने घर में पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन बाहर में आप पूजा पाठ नहीं कर सकते। गैर मुस्लिम मक्का और मदीना में यात्रा नहीं कर सकते। सभी महिलाओं को गाउन पहनना कंपलसरी है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में लगभग 7.7 मिलियन आबादी है दोस्तों। सऊदी अरब में अलूला घूमने आप लोग जा सकते हैं। यहाँ आपको प्राकृतिक चट्टाने, वास्तुकला मिलेंगे दोस्तों। और एक जगह है रेड सी, यहाँ आपको डॉल्फिन, समुद्री कछुए देखने को मिलेंगे दोस्तों। और एक जगह है दिरिहा, ये एक यूनेस्को साइट वर्ल्ड हेरिटेज है दोस्तों। यहाँ सऊदी म्यूजियम भी आप लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों। द सिटी ऑफ रोजेस, यहाँ आपको तरह तरह गुलाब के फूल मिलेंगे दोस्तों। ये शहर गुलाब का तेल के लिए भी जाना जाता है दोस्तों। यहाँ कहीं तरह की सब्जी में गुलाब जल का इस्तेमाल होता है दोस्तों। सऊदी अरब में चोरी ना के बराबर है दोस्तों, इसीलिए लोग यहाँ बिना डर के घूम फिर सकते हैं दोस्तों। यहाँ सोना बहुत सस्ता है, लेकिन आप अगर सऊदी में 1 साल से रह रहे हैं तो ही पुरुष 20 ग्राम तक सोना और महिला 40 ग्राम तक सोना अपने साथ
दूसरे देशों में ले जा सकते हैं। सऊदी अरब में एप्पल और दूसरे महंगी कंप्यूटर्स इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बहुत सस्ते में मिलते हैं दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर टैक्स जो ड्यूटी है वो कम लगता है। इसीलिए सऊदी में पानी प्रति लीटर 17 रुपया में मिलता है दोस्तों। मज़े की बात यह है वहाँ पे 23 रुपये में पेट्रोल मिल जाता है। वहाँ पे बहुत महंगी महंगी कारें उन लोगों की पसंदीदा चीज़ है दोस्तों। वहाँ की जो कम उम्र के लोग हैं वो कार का दो टायर खोल के दो का टायर में स्टंट करना बहुत पसंद करते हैं दोस्तों। जब छुट्टी होती है वो लोग रास्ते में दो टायर को खोल दे के कार को दो टायर में चलाते रहते हैं दोस्तों। वहाँ पे एक्सीडेंट आम बात है दोस्तों, ज़्यादातर एक्सीडेंट में वहाँ पे लोगों की जान चली जाती है दोस्तों। वहाँ की प्रिंस जो है वो बहुत अमीर है दोस्तों। वहाँ पे प्रिंस का नाम है मोहम्मद बिन सलमान। उनके पास बहुत सारी महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।